सो देखो वापस आने टास्क वन लेके देखते हैं। देखियो मैंने एक फोन दे दो यार कोई जन तुहाडे कोल फोन उन्होंने शेयर कर दो तुम मैं अपना फोन दे दो। सो देखो हम अपने को डेटा ही कितना सारा आ गया देखते पे जे लाइन ग्राफ की या कोई भी इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड तुहाडे कोल आ जाए ठीक है किवें पता लगता है ट्रेंड इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिले में भी दो साल हो या दो तो ज्यादा साल होगा इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा किसी भी जगह से तुम इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड आ गया तुम जिन्ना मर्जी डेटा आए कोई फर्क नहीं पता जिम्मे मान लो तुम डेटा आ गया इस तरह करके तुम लाइन ग्राफ आ गया हूँ किन्ने बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points आ गए तुम सारे पॉइंट्स लिखोगे सारे पॉइंट्स लिखोगे तुहाडा पोतरा खत्म करूगा इन्हू जाके फिर सही है ना सारे पॉइंट्स थोड़ी लिख सकते इन्ना लंबा क्यों कट हो जाऊगा ओ सॉरी इन्ना लंबा टास्क हो जाऊगा। सो की करना वा बेसिकली जिथे जिथे ट्रेंड चेंज हुंदा पिया जिवें पहला पॉइंट तो नहीं दसा इस तो बाद आ पॉइंट दसो इतों इतों इतने तक गया इतों इतने कट गया इतों इतने आ गया सिर्फ चार पॉइंट दसो टास्क कवर क्लीयर तो जे तुहाडे कोल सिर्फ चार ही पॉइंट आता भी उदा ही बनूगा सेंटेंस क्लीयर हूँ जिवें लाइन ग्राफ आ गया अपने को सब तो पहला तो वेखते हैं इंट्रो किवें लिखांगे आपां हूँ हैगा की है इनकम सोर्सेज ऑफ रेस्टोरेंट सब तो पहला समझना वा कि अपना जिहड़ा चार्ट वा इहदा सबजेक्ट की आ सबजेक्ट रेस्टोरेंट वा कि सबजेक्ट इनकम सोर्सेज आ इनकम सोर्सेज आ इत्थे ही गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट्स को इनकम सोर्सेज का मतलब क्यों गया मनी सही है ना सो की लिखांगे द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स हाउ हुण मच मनी होगा कि मैनी मनी होगा हाउ मच मनी हुण आपां एंड ते नहीं लिखते द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन आपां विचकार लिखांगे अपने को लिखा वा इनकम की आ इन $1,000 इदां लिखना यूनिट इत्थे लिखना इन परसेंटेज इन मिलियन बिलियन $1,000 ठीक है हाउ मच मनी इन $1,000 वर्ड्स भी लिख सकते हैं हाँ इन $1,000 लिख सकते हैं सर इन $1,000 क्लियर हाउ मच मनी इन $1,000 हुण वेखो जे आपां मच लगाया वा तो आऊगी वॉज दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म तो जे मैनी लगाया तो आऊगी वर्ब दी सैकेंड फॉर्म जे पैसा वा या तो पैसा खर्चिया जाऊगा या तो होगा वॉज स्पेंट या आऊगा वॉज अर्नड हुण इत्थे इनकम है अपने कोल ते की होगा हाउ मच मनी वॉज अर्नड बाय किन्ने रेस्टोरेंट्स अपने कोल बाय फोर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स उन्होंने रेस्टोरेंट्स का नाम की होगा कि अपने को रेस्टोरेंट नाम दते हैं ना जो कि है डेलीकेसी नाम नहीं लिखूंगा मैं ठीक है डेलीकेसी ईवनिंग पैराडाइज ग्रैंड फिएस्टा ते स्पाइसी फॉर्चून ठीक है तो नाल आप दसांगे टाइम पीरियड बिटवीन ठीक है जैन एंड दिसंबर इन द जे उन्होंने फ्रॉम टू लिखा वा कदी तो बिटवीन एंड कर दो जो उत्थे बिटवीन एंड लिखा तो फ्रॉम टू कर दो आ हो गया अपने कोई कन्फ्यूजन इन अगे आप लिखना ओवरऑल अपने को जो लाइन ग्राफ आ गया ओवरऑल किवें लिखना वा तुम बस येखना वा कि लाइन वधदी पई है कि लाइन घटती पई हुण वेखो अपने को चार लाइनज है बेसिकली इन चो वेखो ग्रीन वाली वेखो वधदी पई है घटती पई ओवरऑल वेखो वधदी पई रैड वाली वेखो ग्रीन वाली और ब्लू वाली वेखो तो पर परपल नू की होया वा कटन दी ठीक है सारिया वधिया परपल कटिया आपां इहनू फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं परपल वाली क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट हो रही पर मैं कोशिश कर रहा जे मैं ओवरऑल लिखता पाया ना तो मैं ज़्यादा समैट्रिकल लिखा तो जे तीन वधदियां पईआं एक घटदी पई मैनू इस तरह नजर आना ना तो मैं फ्लक्चुएशन का पंगा विच नहीं पाऊंगा तो मैं ओवरऑल किवें लिखूंगा मैं कहूँगा वैन ऑल द फिगर्स आर टेकन इन टू कंसिडरेशन कॉमा इट कैन बी विविडली सीन दैट ए विविडली वेख्या जा सकता वा के विविडली की वेख्या जा सकता वा के द इनकम ऑफ हुण इत्थे गलती स्टूडेंट्स की करते हैं लिख देते हैं ग्रैंड फिएस्टा इनक्रीज ग्रैंड फिएस्टा तो ही वध गया रेस्टोरेंट ही वध्या उनकी इनकम वध गई द इनकम ऑफ तीन नाम दसो कि डेलीकेसी ईवनिंग पैराडाइज ते ग्रैंड फिएस्टा इंक्रीज्ड वाइल आप स्पाइसी फॉर्च्यून
saw a decline in earnings. वापस आने इथे पा वाई लगाया वा जे पा चाहिए ते नु अनलाइक भी कर सकते हैं. अनलाइक वाला सेंटेंस के बनूंगा जे पा कहिए अनलाइक पलक सिमरनजीत चुन्नी इज ऑन द ग्राउंड. सही है नहीं समझ. इतनी ज्यादा आज ते पक्का रिश्ता होगा तुम जिन्नी थले लगदी भी ना मतलब लगदे रोलदी भैया थले चुन्नी आज ते तुई घर जाओगे ना. ठीक है घर दे ता टेस्ट भी नेड़े नेड़े आंदे ना. इधरों टेस्ट इधरों रिजल्ट उधरों टें 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 टें. तो देखो ध्यान दो क्लियर है समझ आई है इंट्रो दे ओवरऑल समझ आ गया. इस तो बाद आ जाता अपने पैराग्राफिंग. अपा की करांगे अपा की करांगे अपा चार लाइन्स है ना अपने को दो दो हिस्सों च वंड लैने. ठीक है पहला हिस्सा देखो केड़ी लिखोगे लाइन पहले पैराग्राफ च दो लाइन्स लिखनियां वा. अपा की करते हैं पर्पल ते ब्लू वाली नू इकट्ठा लिख लैने. क्लियर है. सो पहला पर्पल वाली की गल करते हैं. देखियो जिथे तक स्पाइसी फॉर्चून की गल हैगी आ. ठीक है सेंटेंस बनावांगे इनू आपां की लिखदे फ्लक्चुएट कर दिए. सही है कर सकते ना फ्लक्चुएट. सो अपने कोल परमानेंट सेंटेंस हैगा फ्लक्चुएशन वाला केड़ा वा रेंजिंग बिटवीन हैगा ना सेंटेंस. इट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 2005 2010 रेंजिंग बिटवीन इन एंड इनदा कीता है ना सेंटेंस. यस पता तुहाडे तुहाडे उत्ते किहड़ा गाना लगना इहदा तुहानूं रिकॉर्ड करना चाहिए वा. तो जो मैं तुहाडे तों सवाल पूछा ना नाले लगना इहदा ओ ओ लगना इहदा तुहाडे ते ओ क्या सूट करदा तुहाडी शक्ल ते 12 ही वज्जदे जदों मैं सवाल पूछना कोई ओ याद वा सेंटेंस मैं समझाना दुबारा. जे मान लो कोई अपने कोल इस तरह लाइन आ जाए जो कि 20 तों 40 ते चलदी पई. ठीक है तो कोई इहो जी लाइन आ जिहड़ी ऐ ना ही 20 तों थले जा रही है ना ही 40 तों उपर जा रही. तो आपां कहांगे मान लो 2005 2010 अपना साल आ. इट फ्लक्चुएटेड from 2005 to 2010 ranging between 20 and 40 aa chiz hai na apne ko yaad hai sentence wala hun se bol do. yes sir ehi cheez main utthe karunga bas it nu change kar dunga main kahunga spicy phone wale ji its income bas inna hi badlav kita vekho main its income fluctuated from January to September ranging between kinne te aa 170,000 and 120,000 170 te 120 de vichkar rahi ho na 70 to upar gayi na 20 to thalle gayi. clear aa inna hissa apa likh liya sara sirf fluctuation ch hi karta ek sentence hi na peed da apa end te aa upar ja ke niche aa reha. इन दिल तो सेंटेंस याद है ना. सो बिफोर आफ्टर लगा दिए सेंटेंस फिर अपना परमानेंट सेंटेंस कहेंगे दिस दोबारा इनकम वर्ड लिखने की लोड़ नहीं पे. दिस इंक्रीज्ड टू 140,000 इन अक्टूबर बिफोर फॉलिंग टू ओनली 50,000 टिल दिसंबर. अपना बिफोर वाला सेंटेंस लगाता ते एक लाइन अपने को कंप्लीट होगी 25% ऑफ द टास्क आप लिख लेते. सही है अगे आप लिखांगे इन केस ऑफ. ठीक है इन केस ऑफ आप कहांगे डेलीकेसी. हुण डेलीकेसी का की हाल आ सिमिलर ट्रेंड कह सकते आप. ठीक है सिमिलर ट्रेंड वॉज सीन टिल देखियो सिमिलर ट्रेंड वॉज सीन टिल जुलाई कर लो. जुलाई तक सिमिलर ट्रेंड दिखाया क्योंकि उन्हें भी फ्लक्चुएशन की थी. कहेंगे एज इट डिड नॉट सक्सीड कहेंगे डिड नॉट अगे निकल जाना की कहने आप एक्सीड वर्ड डिड नॉट एक्सीड 40,000 के सेम ट्रेंड उन्हें देखा जुलाई तक क्योंकि वो 40,000 तो उत्ते नहीं गया मतलब वो भी फ्लक्चुएट होता गया तो 40,000 तो उत्ते नहीं गया. जो मैं कहता सिमिलर ट्रेंड ओ ही हो गया फिर फ्लक्चुएशंस. दोबारा मैंने फ्लक्चुएशन लिखने की लोड़ नहीं है वर्ड. सही है अब कहने हवेवर क्यों लगाया थे मैं क्योंकि पिछला वाला डिक्रीज होया ही ए वाला इंक्रीज होता पे हवेवर अब कहने इन द लेटर मंथ्स मतलब बाद विच इन द लेटर मंथ्स इट सॉ अ ड्रामेटिक इंक्रीज ड्रामेटिक राइज टू
120,000 इन द लेटर मंथ्स उन्हें एक राइज रखी 120,000 तक पहुंच गए। क्लियर है? तो ये अपना हो गया पैराग्राफ वन। कुछ औखा इन दसो अगे आने पैराग्राफ टू से देखो। नैक्सट अपने को आ गए ग्रीन ते रेड। ठीक है, ग्रीन वाले तो सिंपल आप कह सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं अपने को कहना सेंटेंस, आप कहोगे मूविंग टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अर्निंग्स ऑफ। ग्रीन वाले उत्ते केड़ा सेंटेंस लगूगा? अपने को परमानेंट सेंटेंस है जेडे उन्हां चो बिगनिंग फ्रॉम एंडिंग एड लगा दी ना, परमानेंट सेंटेंस है गा। तो लिख दो सेंटेंस किवें बनूगा फिर अपना, द अर्निंग्स ऑफ जो भी नाम होता ग्रैंड फिएस्टा इंक्रीज्ड बाय किन्ने का डिफरेंस है शुरू किन्ने तो होया दसो 100 ते खत्म कितने होया 140 इंक्रीज्ड बाय 440,000। ठीक है, इन केस द अर्निंग्स ऑफ ग्रैंड फिएस्टा सॉ एन इंक्लाइन ऑफ 40,000 बिगिनिंग फ्रॉम 100,000 एंड एंडिंग एट 140,000। हुण जो आप बिगनिंग एंडिंग वर्ड लिख देंगे अपन दोबारा मंथ लिखने की जरूरत नहीं। तो तुम वेखोगे नीरज जी बार बार नाम भी नहीं आते हूँ, सही है, क्योंकि आप एक बार नाम लेके सारा डेटा दस देंगे। सही है ना? लास्ट अपने को आ गया एज फॉर, लास्ट अपना की है किड़ा रह गया इवनिंग पैराडाइज। एज फॉर इवनिंग पैराडाइज, हुण मैं तुहानू इत्थे सिखाना एक सेंटेंस आपां कीता होया शायद, पर देखियो जे मान लो अपने कोल दो चीजें आ जाए, इत्थे आ गया अपने कोल ए, इत्थे अपने को आ गया बी। मान लो ए जिहड़ा वा ओह 5 तों वध के 7 ते चला गया 2005, 2010, 2015। आपां इहनूं किवें लिखांगे? ए इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 7। ठीक है, इन टिल 2015 तक, वो 5 to 7 तक आया। नाल आप लिखना वा ओवरटेकिंग बी इन 2010। उन्हें बी न ओवरटेक किया 2010 साल, जिहड़े साल उन्हें ओवरटेक किया। जिवें जे आप रेड नू वेखिए तो उन्हें जून दे विच ओवरटेक कर लिया ग्रीन वाले नू वेखो। पर जे मान लो तुहाडे कोल इस तरह होवे कि ए दोबारा नीचे आ गया ए ते बी दोबारा उत्ते चल गया, तो अगे तो ही लिखना वा बट दिस पोजिशन वॉज शॉर्ट लिव्ड एज इट फेल बैक टू, जिन्हें तो भी आ गया मान लो 3 ते आ गया। आ सेंटेंस तुहाडा पक्का वा, यही सेंटेंस लगा दो एज फॉर इवनिंग पैराडाइज इट्स इनकम। ठीक है, रेवेन्यू भी कह सकते वर्ड आप, इट्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 100,000। आप इंक्रीज का हम डबल्ड भी कह सकते हैं, डबल्ड फ्रॉम 50,000 टू 100,000 टिल जून, नहीं टिल जुलाई कॉमा ओवरटेकिंग ग्रैंड फिएस्टा इन जून या मे लिख लो जिहड़ा भी तुहानूं सही लगे। समझ आई किदां कीता आपां? समझ आई है ना सेंटेंस किदां बणिया ना? अगे देखो बट दिस पोजिशन वॉज शॉर्ट लिव्ड एज बाय सेप्टेंबर इट हैड फॉलन बैक टू 60,000, क्योंकि सितंबर तक 60,000 तक वापस आ गया है। ठीक है, फाइन। तो एंड दे की होया? ओ हाईएस्ट अर्निंग, हाईएस्ट अर्निंग कैफे बन गया ऑफ ऑल टाइम। इतों ज़्यादा क्या ही कैफे कैफे नहीं कमाया। अब कह रहे हैं व्हाट इज सरप्राइजिंग, ठीक है, द रेवेन्यू ऑफ दिस कैफे बाउंस्ड बैक। बाउंस्ड बैक का मतलब क्या? थल्ले आई ना उन्हें, बाउंस बैक मतलब वापस उत्ते चलेगी। Bounced back, comma, reaching 190,000 dollars, making it the highest earning cafe of all time.
कि इन्ना कभी किसे कैफे ने नहीं कमाया, पूरे चार च इन्नी फिक्र नहीं की, तो यह अपना टास्क वन हो गया। क्लियर है? जो तुम ध्यान ना देखोगे तो अपने परमानेंट सेंटेंसेस ही आ, पहले विच लगा रेंजिंग फ्रॉम, कि परमानेंट सेंटेंस लगे पहले च अपना लगा रेंजिंग फ्रॉम ते बिफोर वाला सेंटेंस, एक नो पेन दे नाल लिख लिया, ठीक है। दूसरे च अपना लगा उस कुछ भी नहीं लगा, सिंपल इंक्रीज ही क्या पाया सिमिलर, तो बाद इंक्रीज हो गया, ठीक है। तीसरे च अपना लगा केड़ा वाला बिगनिंग फ्रॉम एंडिंग एट, ते लास्ट वाले च अपना लगा ओवरटेक ते शॉर्ट लिव्ड वाला। अपने परमानेंट सेंटेंसेस है ना जेडे, तुहानू कोई लाइन ग्राफ आ जाए वो दस बारह सेंटेंस है उही लगने हर कदे, उन्होंने यूज करी जाओ। सिर्फ नाम जिवें आही सेंटेंस वेख लो, ए इंक्रीज फ्रॉम इन्ने टू इन्ना, तो की फर्क आया? आप क्या इट्स इनकम डबल्ड फ्रॉम इन्ने टू इन्ना ओवरटेकिंग आ इन जून, सेम है बस नाम बदल दे जा रहे। क्लियर है?